मध्य प्रदेश के गुना जिले की तहसील चाचोड़ा के कम्युनिटी हॉल में प्रति मंगलवार अनुसार आज भी जन सुनवाई का आयोजन रखा गया। विशेष बात यह रही कि इस जन सुनवाई में जिला कलेक्टर भास्कर लक्षाकार उपस्थित रहे। उन्होंने क्षेत्र के लोगों की समस्या को बड़ी गंभीरता से लेते हुए जल्द से जल्द समस्या निवारण करने संबंधित विभाग को निर्देश दिए हैं। जन सुनवाई के दौरान विशेष समस्याओं में प्रधानमंत्री आवास की ज्यादा समस्याएं आई, वहीं भूमि पर अवैध अतिक्रमण की समस्या का मामला भी सामने आया है और खेल प्रेमियों ने भी मैदान के लिए जन सुनवाई में कलेक्टर महोदय को आवेदन दिया है। चाचोड़ा से अमित चौरसिया की रिपोर्ट। उसमें FIR की कोई आवश्यकता नहीं है, ना ही FIR दर्ज कराई जाएगी। उसका मामला बहुत सिंपल है। मामला यह है कि वो एक साइबर क्राइम से संबंधित चीज़ है और उसमें CLR ऑफिस से हमने यह निवेदन किया था कि उसमें डिटेल जांच कर लें। CLR ऑफिस से भी उसमें डिटेल जांच हो गई है और उसके आधार पर कार्रवाई कर रहे हैं। जो फर्जी एंट्रियां थी, एक एक गांव की एक एक एंट्री को पकड़ करके उसमें चेक किया गया है। जो भी फर्जी एंट्रीज थी उन एंट्रीज को हम लोगों ने विलोपित कर दिया है और इसके साथ ही साथ में जिन लोगों ने ये कृत्य किया था उन लोगों पर विभागीय जाँच भी कर रहे हैं। ऐसे लोगों में से 4-5 लोगों को हमने ऑलरेडी सेवा से भी पृथक किया है। मुझे लगता है ये कार्यवाही ही राजस्व न्यायालय की ओर से की जानी है। आज की जन सुनवाई में कपिल दाड़ा के तहत काफी बड़ा घोटाला सामने आया है, आपने मंत्रालय में इसकी रिपोर्ट भी भेजी है कि कार्रवाई की जाए, उसमें FIR भी ऑलरेडी दर्ज हो चुकी है, आपको जानकारी होगा। सर करोड़ों रुपए का घोटाला ये सामने आया, FIR उसमें इसीलिए दर्ज हुई है क्योंकि ये मामला गंभीर था। आज की जन सुनवाई में सबसे बड़ा मामला क्या रहा? आज की जन सुनवाई में सबसे बड़ा मामला नहीं, देखिए लोगों के पास मांग बहुत सारी है, डिमांड्स बहुत सारी है। अधिकांश लोगों की मांग प्रधानमंत्री आवास से संबंध में आई थी। आप लोगों ने भी देखा होगा बहुत सारे लोग इस बारे में आते हैं कि हमको प्रधानमंत्री आवास चाहिए। जो व्यक्ति, चूंकि हमारे पास में सीमित संख्या होती है, सभी को आवास नहीं दिया जा सकता एक साथ में, लेकिन जिन लोगों को हम आवास दें उनका हम प्रॉपर परीक्षण करके उनको आवास दें, तो एक तो ये मुख्य मुद्दा सामने आया था। एक दो जगह से नामांतरण के संबंध में इश्यूज आए थे जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तत्काल संबंधित को निर्देशित किया गया है। एक मामला जो रोड बनाने वाली कंपनी है उसके द्वारा सड़क के किनारे नाली ना बनाए जाने के संबंध में बताया, उसमें भी मैंने 5,000 रुपीज़ के फाइन के लिए बताया है और साथ ही साथ में 3 दिन के अंतर्गत वो काम शुरू। आज हमने एक ग्राउंड जो प्राचीन था काफ़ी समय से, वहाँ पे लोग क्रिकेट और फुटबॉल खेलते थे, उस पर कुछ व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है और स्वच्छता का भी ध्यान न रखा जा रहा है। वहाँ पर गंदगी की जा रही है, एक फैक्ट्री लग रही है जिसके कारण वहाँ पर गाय जो पानी पी रही है वो मर रही है, आदमियों को परेशानी आ रही है और ना प्रशासन कोई उस पर ध्यान नहीं दे रहा है, जिसके फलस्वरूप एक जो ग्राउंड था वो विलुप्त की ओर हो रहा है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।